तो पापा को नहीं था कि नहीं मतलब मम्मी ने मेरे प्रेशराइज के पापा को कि इसको बोलिए कि गाना वाना गाने के लिए बोले तो कि क्या छोटा बच्चा है इसको क्या कैसे गाएगा कुछ लोग थे उसने उसनेटिव बोलने वाले लोग थे लेकिन पापा ने उन निगेटिव चीज़ों को छोड़ा और गाँव के लोगों ने भी बोला तो जाके कल्लू जी ने गाना फर्स्ट टाइम एल्बम पापा के करवाया उसका तानित तो बहुत किया उसने लेकिन मार उतना नहीं खाया उसकी मार मुझे पड़ी हम लोग एज ए दोस्त की तरह रहते हैं जॉली हैं दोनों लोग खुश रहते हैं मस्त रहते हैं हर तरफ एक दो सवाल बाकी कल्लू के बिया कब हो कल्लू की दुनिया मिल गई गाना बनाने वाला एक गाना गाया था मैंने बचपन में बचपन में दो तीन साल पहले लेकिन क्या करो हार्ड डिस्क करप्ट हो गया डिलीट हो गया दोबारा हिम्मत नहीं हुई गाने की नमस्कार एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सॉरी आर के फिल्म के सेट पे और इस वक्त हमारे साथ हैं कल्लू जी के बड़े भैया यानी आशु बाबा तो उनका पहली बार स्वागत करते हैं नमस्कार। नमस्कार। बाबा क्यों? बाबा क्यों? हमारे यहाँ प्रचलन है कि पंडित लोगों को लोग बाबा बाबा कहते रहते हैं तो मेरा पूरा नाम है आशुतोष कुमार चौबे तो बहुत बड़ा नाम था तो मैंने उसका निक नेम किया आशु और चौबे जी हैं तो लोग बाबा बाबा कहते थे तो नाम ही रख दिया तक मुझे याद है आपके पूरे फैमिली में सिर्फ आप ही को बाबा कहा जाता है कुछ ज्यादा भक्ति करते हैं क्या भक्ति नहीं करते हैं अब लोग का प्यार है लोगों ने कह दिया मैंने रख लिया क्या बात है खैर ऐसा कहा जाता है ना कि जितने राज आपके पास हैं कल्लू जी को लेकर इतने किसी के पास नहीं इसीलिए हमने आपको पकड़ लिया यहाँ पे तो आज हम राज खुलवाएंगे इनसे तो बचपन में चलते हैं जब कल्लू जी गाना गा रहे थे तो उससे जुड़े कोई किस्सा आप हमसे शेयर करेंगे कैसे उन्होंने गाना शुरुआत किया क्या योगदान था पिताजी का क्योंकि वो कहते हैं ना पिताजी की वजह से मैं बनाऊँ जी तो बचपन में जब कल्लू जी तकरीबन तो आठ नौ साल के थे तब घर में ऐसे ही गुनगुनाना दाक्षणी खेलना या पंद्रह अगस्त हो गया छब्बीस जनवरी हो गया कोई फंक्शन होता है स्कूल में तो गाना गाने के इच्छुक रहते थे हमेशा गाना वाना गाते रहते थे तो पापा भी सुनते थे हम लोग भी सुनते थे सब मिलता भीता कि हाँ भाई अच्छा गाता अच्छा गाता है तो पापा को नहीं था कि नहीं मतलब तो मम्मी ने मेरे प्रेशराइज किया पापा को कि इसको बोलिए कि गाना वाना गवाने के लिए तो बोले कि क्या छोटा बच्चा है इसको क्या कैसे गाएगा या ये नहीं झेल पाएगा ऐसा कुछ तो मम्मी के प्रेशर से फिर पापा ने भी देखा गाँव के लोगों ने भी बोला तो जाके कल्लू जी ने गाना फर्स्ट टाइम एल्बम पापा के करवाया उसका क्या पूरा गाँव पीछे पड़ा तुम गांव हम तुम्हारे साथ हैं हाँ गांव ने कुछ लोग थे उसने नेगेटिव बोलने वाले लोग थे लेकिन पापा ने उन निगेटिव चीजों को छोड़ा और जो अच्छे जो लोगों ने बताया कि नहीं भाई आपका बच्चा अच्छा करेगा तो लोगों ने प्रोत्साहन दिया तो पापा ने बोला कि चलो करते हैं और भगवान का आशीर्वाद है कि आज यहाँ पे हैं आप लोग शायद चार भाई हैं राइट तो सबसे ज्यादा सैतान कौन रहा है शैतानी किसने की आपने की है कल्लू जी ने या फिर जो तो छोटे हैं सैतानी तो अब कोई नहीं करेंगे लेकिन मार हमने खाया है क्योंकि मैं बड़ा था अच्छा, मतलब की गलती चाहे जो करे मार आप ही को खाना है कि एक कहावत कहा गया है कि या तो बड़ा पीटता है या तो छोटा पीटता है <laughs> तो छोटा वाला ज्यादा छोटा था तो मैं ही पीट गया कल्लू <laughs> जी को कभी पीटा है कि नहीं पीटा है है नहीं कल्लू जी को मुझे नहीं याद है क्योंकि बचपन बचपन में थोड़ा शैतानी तो बहुत किया उसने लेकिन मार उतना नहीं खाया इसकी मार मुझे पड़ी है अच्छा। हाँ पापा गुस्साते थे तो मैं ही फ्रंट में पड़ जाता था तो पापा मुझे खाना पड़ता था होता नहीं तो देखने को मिलता है कि बड़ा भाई तुम्हारे चकन पीट गया जैसे पापा मम्मी हटे हुए तो बड़े भाई ने धो दिया छोटे भाई को ये, ये तो रेगुलर चलते रहता है उनके साथ <laughs> <laughs> मैंने किया ऐसा <laughs> लास्ट कभी धोया था मतलब हो गया एक दो साल कि अभी एक दो दिन नहीं एक दो दिन नहीं हुआ हो गया कुछ साल हो गए लेकिन हाँ चलते रहता है छोटा देखिए छोटे मेरे से डेढ़ साल छोटा है वो तो ऐसा नहीं है चलते रहता है नुकझोंक नुकझोंक चलना चाहिए मार मारता नहीं हूँ ऐसा नहीं ये छोटे मारता था लग रहा है डर रहे हैं एक्शन सीन कर रहा है पलट के इधर ना आ जाए नहीं ऐसा नहीं बहुत इज्जत करता है ऐसा कुछ नहीं है तो आप ऐसे मतलब अक्सर हम देखते हैं कि आप हमेशा उनको गार्ड करके रखते हैं प्रोटेक्ट करके रखते हैं उनकी चीज़ों को तो कितना टफ है उनके साथ रहना क्योंकि हर कोई उनके सैतानी से परेशान रहता है नटखटपन है उनके अंदर बस एक आप हैं कि एक बार बोल दिए तो सुन लेते हैं देखिए वो पापा के साथ बहुत ज़्यादा टाइम रहा है तो वो गार्डियनशिप जानता है तो मैं जो गार्जियन के साथ रहता हूँ तो हाँ हलचल तो मची रहती है लोगों में काम करता है बिजी रहता है अब उसको संभाल के लिए चलना है बस यही है गार्जियनशिप करते रहते हैं उसके साथ काम करते रहते हैं काम में बिजी रखते हैं उसको तो जो नटखट बना वो थोड़ा कम हो जाता है हर तरफ एक गो सवाल बाकी कल्लू के ब्याह कब हुई कब हुई बहुत जल्दी हुई आप लोग खुशखबरी हम ही देंगे फोन करेंगे उदय सर को सर शादी सेट हो गई है दुल्हन मिल गई हाँ कल्लू की दुलनिया मिल गई है ये भी है कि आ, सेट पे कोई ऐसा इंसिडेंट आप हमसे शेयर करेंगे जो आपको लगता है कि हमें शेयर करना चाहिए ऐसे हाँ ऐसा तो बहुत कुछ है सेट पे। देखिए होता क्या है ना कि कल्लू एक ऐसा मतलब मेरा भाई इसलिए वो कल्लू एक ऐसा हीरो है ऐसा लड़का है जो सबके साथ यूनिट में सबके साथ वो स्पोर्ट बॉय स्पोर्ट बॉय के साथ वो आर्ट डायरेक्टर हो फाइट डायरेक्टर हो जैसा भी जो भी हो कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके साथ नहीं मिलता जुलता है सबके साथ मिल के हंस के बोल के गाना गा के डांस करके कॉमेडी करके इंजॉय करना होता है तो हर सेट पर ऐसा होता है जिस सेट पर नहीं होता वो नहीं कर पाते लेकिन हाँ जहाँ होते हैं खुल के होते हैं जहाँ जिस सेट पर हम लोग लो खड़े हैं यहाँ पर सब लोग लगभग लगभग लो, ऑलमोस्ट सब लोग उसजॉय करते हैं ये उसकी एक खबर आई थी अफवाह बोलें या रियल है आपसे जान लेते हैं कि आप लॉन्च होने वाले हैं ये गया फॉक कौन दिया ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है बहुत लोग ऐसा बोलते लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कोई बात नहीं।, नहीं।, नहीं गाना बनाने वाला है गाना गाया था मैंने एक बचपन में बचपन में मतलब कि दो तीन साल पहले लेकिन क्या करूँ <laughs> हार्ड डिस्क करप्ट हो गया डिलीट हो गया दोबारा हिम्मत नहीं हुई गाने की <laughs> ऐसा कोई प्लान नहीं है ट्राई करना चाहिए हम हम उदय सर और हम दोनों है बहुत अच्छे सिंगर हैं लेकिन हम लोग गा नहीं सकते हैं कैमरे पे

कल्लू जी पे आते हैं वापस जैसा कि आपने बताया कल्लू जी का नेचर काफ़ी हंसी मजाक है आप उनके साथ रहते हैं एज ए गार्जियन इन केस अगर आप नहीं रहे तो कल्लू जी को कौन मैनेज करेगा <laughs> हम फोन टेलीफोनिक मीटिंग करते रहते हैं उनके साथ हमेशा ऐसा रहता हूँ मैं हमेशा रहता हूँ ये तो वजह नहीं है कि कल्लू जी की कहीं सेटिंग नहीं हो रही है कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी नहीं ऐसा नहीं है गर्लफ्रेंड मैं अब रोक थाम नहीं रखा होगी नहीं गर्लफ्रेंड है, है ऐसा कुछ नहीं है कि गर्लफ्रेंड नहीं और मैंने आज तक कभी ऐसा लगा नहीं है कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ वो हम लोग एज ए दोस्त की तरह रहते हैं जॉली हैं दोनों लोग खुश रहते हैं मस्त रहते हैं हाँ ये है कि वो अब उनकी पर्सनल जिंदगी में मैं नहीं घुसता हूँ कि वो गर्लफ्रेंड है कि नहीं रखे मैं पूछने का और मेरा हक भी नहीं बनता भाई किसी की जिंदगी है कुछ भी कर सकता हो लेकिन ऐसा कोई रोकथाम नहीं है सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे हैं यूनियन मीडिया को उदय जी को खुशबू जी को कल्लू जी को और सभी को खूब सारा प्यार देता हैं